नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म केसरी के डे 10 के इंडिया के ओवरसीज़ के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल बॉलीवुड तूफान को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केसरी फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है, बैटल ऑफ सारागढ़ी, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पंजाब के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने। और इस फिल्म में लीड रोल में हमें अक्षय सर के साथ परिणीति चोपड़ा दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि केसरी फिल्म का जो बजट है वो 80 करोड़ है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताऊं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो केसरी फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से 21 करोड़ 6 लाख, दूसरे दिन 16 करोड़ 75 लाख, तीसरे दिन 18 करोड़ 75 लाख, चौथे दिन 21 करोड़ 51 लाख, पाँचवें दिन 8 करोड़ 25 लाख, छठे दिन 7 करोड़ 17 लाख, सातवें दिन 6 करोड़ 52 लाख, आठवें दिन 5 करोड़ 82 लाख, नौवें दिन 5 करोड़, और डे 10 यानी कि आज का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों वो 7 करोड़ आ रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इसी के साथ इस फिल्म का ओवरसीज़ का जो कलेक्शन होता है वो 32 करोड़ होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि केसरी फिल्म इंडिया में 3600 स्क्रीन में रिलीज़ हुई है और ओवरसीज़ में 600 स्क्रीन में। तो आपको बता दूं कि केसरी फिल्म का इंडिया का टोटल कलेक्शन होता है 118 करोड़, जो कि बहुत ही बढ़िया है, और इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है 162 करोड़। तो दोस्तों, आपने ये फिल्म देखी कि नहीं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जंगली फिल्म एक्शन स्टंट इमोशनल से भरपूर है, और इस फिल्म में लीड रोल में हमें विद्युत जम्बन के साथ पूजा स्वानत और आशा भट्ट दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जंगली फिल्म का जो बजट है वो 32 करोड़ बताया जा रहा है, और इस फिल्म का जो रन टाइम है वो 150 मिनट का है। इस फिल्म को ओवरसीज में 3000 स्क्रीन काउंट में रिलीज़ किया है, और जंगली फिल्म को डायरेक्ट किया है हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर जग रसल ने। तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 2.5 स्टार दिए हैं, पर पब्लिक ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इस फिल्म ने पहले दिन इंडिया से 4 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया है, और दूसरे दिन यानी कि आज का जो कलेक्शन आ रहा है वो 3 करोड़ 50 लाख आ रहा है। इसी के साथ इस फिल्म के नाइट शो बाकी है, अगर इस फिल्म ने नाइट शो में ग्रो किया तो बहुत ही बढ़िया होल्ड ले पाएगी ये फिल्म। इसी के साथ इस फिल्म के दो दिन के टोटल कलेक्शन होता है 7 करोड़ 70 लाख इंडिया से, और इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन होता है इंडिया का 9 करोड़ 50 लाख। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का ओवरसीज़ का जो कलेक्शन आ रहा है वो 3 करोड़ आ रहा है। इसी के साथ जंगली फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है 2 दिन का 12 करोड़ 50 लाख। तो दोस्तों, में तो इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बदला फिल्म में हमें लीड रोल में बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू दिखाई दे रहे थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुजय घोष ने, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है शाहरुख खान ने, रेड चली इंटरटेनमेंट ने। दोस्तों, आपको बता दूं कि बदला फिल्म का जो बजट है वो 25 करोड़ बताया जा रहा है, और इस फिल्म ने बहुत ही अच्छा होल्ड लिया है बॉक्स ऑफिस पर। बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्म रिलीज़ होने के बावजूद भी ये फिल्म डट के मुकाबला कर रही है और लगातार बॉक्स ऑफिस पर अच्छे रिकॉर्ड बना रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो बदला फिल्म ने इंडिया से पहले हफ्ते में 38 करोड़ का बिजनेस किया था, सेकेंड वीक में 29 करोड़ 32 लाख का कलेक्शन किया था, थर्ड वीक में 11 करोड़ 10 लाख, और डे 22 यानी कि कल का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों वो 60 लाख आ रहा है। इसी के साथ बदला फिल्म का टोटल कलेक्शन होता है 79 करोड़ 10 लाख। तो दोस्तों, आप स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लुका छुपी फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, और ये फिल्म का जो बजट है वो 25 करोड़ बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि लुका छुपी फिल्म को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर ने, और इस फिल्म में लीड रोल में हमें कार्तिक आर्यन के साथ कृति सनन दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये फिल्म बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो लुका छुपी फिल्म ने पहले हफ्ते इंडिया से 53 करोड़ 70 लाख, वीक में 21 करोड़ 54 लाख, तीसरे वीक में 11 करोड़ 75 लाख, चौथे वीक में 4 करोड़ 4 लाख, और डे 30 यानी कि आज का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों वो 50 लाख आ रहा है। इसी के साथ इस फिल्म का इंडिया का टोटल कलेक्शन होता है 92 करोड़। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लुका छुपी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा इंडिया से पार कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों।